हेलो दोस्तों, आत्मनिर्भर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मयंक प्रकाश। आज हम लोग बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो का ही कंटिन्यू है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत मुख्य रूप से तीन भागों में बटा हुआ है, पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत काल और मुगल काल। इसमें देखता है कि पूर्व मध्यकाल, जो जिसे राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं, इसी के दौरान, इसी काल में तीन मुस्लिम आक्रमण भारत में देखने को मिलते हैं। प्रथम है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण। उसके बाद तुर्क आक्रमण का पहला चरण जो महमूद गजनवी के नेतृत्व में किया गया, और तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण जो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में 1175 ईस्वी में भारत में हुआ। इसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से हम लोग जानते हैं। दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक स्थापित है, जिसमें पांच राजवंश एक क्रमिक रूप से भारत पर शासन करता है। प्रथम गुलाम वंश, जिसे ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक स्थापित रहे। उसके बाद खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में रही। उसके बाद तुगलक वंश, 1320 से 1412 ईस्वी। सैयद वंश, 1414 से 1451 ईस्वी। लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का अंतिम राजा, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी, जिसे पानीपत की प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी मारा गया, और उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। मुगल साम्राज्य में बहुत सारे बादशाह हुए, जिसमें हमारा मध्यकालीन भारत में मुख्य रूप से बाबर, हुमायूं का दो चरण हुआ, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन शासकों ने मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखी और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन करता है, जिसमें एक लगातार लड़ाई वो लड़ता है, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और अफगान के द्वारा लड़ा गया अफगान युद्ध मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जो 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी और 1529 ईस्वी। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, जिसे शेर शाह सूरी द्वारा अपदस्थ कर दिया गया कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में। उसके बाद शेर शाह सूरी के काल में हुमायूं निर्वासन जीवन जीने को विवश हो गया, लेकिन 1556 ईस्वी में उसने फिर मुगल सत्ता स्थापित की, मुगल बादशाह बना। लेकिन एक वर्ष के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर 1605 से 1627, उसके बाद शाहजहां 1627 से 1657, उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। इसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। अब यह है कि पूर्व मध्यकाल में मुख्य रूप से सवाल आता कहाँ से है। तो एक है राजपूत काल, जहाँ से सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसी में आपको दक्षिण भारत का इतिहास भी चोल, चेर, पांड, इसका इतिहास को पढ़ना है, जानना है।
उसके बाद प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पे होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दो होता है। एक होता है धन की प्राप्ति और दूसरा होता है इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना। यही उद्देश्य लेकर महमूद गजनबी भी भारत आता है। इसने भी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे किया गया और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया गया। लेकिन इस तीनों आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में होता है, जिसका तीन उद्देश्य लेकर यह भारत आता है। ओके, इसका तीन उद्देश्य क्या था? तो पहला था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, दूसरा धन की प्राप्ति और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य विस्तार करना। ओके, साम्राज्य विस्तार का ही एक उदाहरण है भारत में दिल्ली सल्तनत या दिल्ली साम्राज्य की स्थापना। मुख्य रूप से गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में इस्लामिक सत्ता अस्तित्व में आई और 1858 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर के द्वारा भारत में इस्लामिक सत्ता का अंत होता है, मुस्लिम शासक का अंत होता है और अंग्रेजी सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक भारत में आखिर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। आधुनिक भारत भी या आधुनिक इतिहास भी तीन भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्व आधुनिक काल, जिसमें मुगल साम्राज्य का पतन आपको पढ़ना है। फिर है उत्तर मुगल काल, यानी मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान ही बहुत सारा स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, अवध, बंगाल, सिख जाट इत्यादि मुगल साम्राज्य के पतन के या मुगल साम्राज्य के ढर्रे पे ही इन स्वतंत्र राज्यों का उदय देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा सैनिक क्रांति है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष या सैनिक क्रांति या सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं, जो मेरठ यूपी से स्टार्ट होता है और पूरे भारत में फैल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद गरम और नरम दल की स्थापना या गरम और नरम दल के बीच का संघर्ष, गांधी युग जो 1915 से 1947 के बीच देखने को मिलता है, नेहरू युग, नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता या भारत के लिए जो योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और सबसे बड़ा लड़ाई 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये पढ़ना है, और अंतोगत्वा 1947 का आज़ाद भारत, ये देखना है। सैनिक क्रांति के टाइम में ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है या राष्ट्रीयता की भावना का जन्म होता है। ओके, आधुनिक भारत हमारा 1707 से 1900। इतिहास को समझने के लिए मुख्य रूप से आपको डेट पे फोकस करना है। डेट जितना अच्छा होगा आपका इतिहास उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि डेट से आपको उस घटना उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप डेट को फोकस करें, डेट को अच्छी तरह से समझें और एक क्रम के रूप में, एक वंशावली के रूप में आप डेट को याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में डाल सकते हैं। बार बार अभ्यास से आपका डेट भी ठीक हो जाएगा, और डेट कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आप आराम से डेट को समझते हुए उसको याद रख सकते हैं।
हम लोग कल बात किए थे कि प्राचीन भारत तीन भागों में बटा हुआ है। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड। ओके, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। एक है सिंधु सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो 3000 BC से 1700 BC तक अस्तित्व में रहती है, उसके बाद वैदिक सभ्यता 1500 BC से 600 BC तक अपने अस्तित्व में रहती है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से इसका उद्भव व विकास, विस्तार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक और पतन, इतना जानना है हमको सिंधु घाटी की सभ्यता में। वैदिक सभ्यता जो दो भागों में बटा हुआ है, एक है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक है और उत्तर वैदिक काल 1000 BC टू 600 BC तक। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। इसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में शेष चारों वेद में जो तीन वेद है ऋग्वेद को छोड़कर, उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड होगी। धन्यवाद। थैंक यू।